Hey friends, assalam alaikum. Welcome back once again to Rabia's Kitchen. Friends, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्वीट एंड सार चिकन लॉलीपॉप की एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी. दिस इज गोइंग टू बी रियली लाइक बाय योर किड्स. बहुत अच्छा लगता है, वेरी प्रेजेंटेबल. तो चले अपने किचन में ये पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ. सो लेट्स गो. यहाँ पर लिया है चिकन लॉलीपॉप. इस तरीके से हमें बनाकर रखना है, परफेक्ट राउंड शेप में. ये अराउंड 1 dozen है, दैट इज 12 पीसेस. अभी इसका पहला हम मसाला प्रिपेयर करेंगे. टेक अ लार्ज बोल. अभी एग्जैक्टली जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, दैट इज फॉर 12 लॉलीपॉप्स, दैट इज 1 dozen. तो अराउंड 4 teaspoons इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ. ये एग्जैक्ट 4 teaspoon है. इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे हम अराउंड 2 teaspoons. नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स 1/2 teaspoon. व्हाइट पेपर पाउडर 1/2 teaspoon. जिंजर गार्लिक पेस्ट इज ऑल्सो 1/2 teaspoon. और यहां पर है सोया सॉस. सोया सॉस हम एक टेस्ट के लिए यूज करेंगे, सो आई हैव जस्ट टेकन अराउंड 1/2 teaspoon. इसमें अभी हम डाल देंगे 1 egg. और इसे अभी अच्छे से मिक्स करना है. इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे. इसमें ऐड करेंगे हम स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन्स, एकदम फाइनली चॉप करके थोड़ा सा यूज इसमें करेंगे. बाकी का गार्निश करेंगे हमारी स्वीट एंड सार जो ग्रेवी बनेगी इसकी. इट विल बी ड्राई बट फाइनली इसे चॉप करके थोड़ा सा ही लेना है. इसे अब इसमें डाल देंगे. एंड ये जो अनियंस है ये भी हमें यूज करना है. सो ये भी अभी हम एकदम फाइनली इस तरीके से इसे चॉप कर देंगे. वेरी फाइन. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रम्स ऑफ हेवन. बहुत टेस्टी लगेगा एंड बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है ये. दे रियली लव इट. सो दिस हैज टू बी वेरी फाइन. दैट्स इट. इसे अभी हम सेपरेटली रखेंगे और इसके अंदर अभी ये ग्रेवी जो है इसमें बिल्कुल भी पानी एड नहीं करना है. दिस इज डन. अभी एक एक लॉलीपॉप इसमें डाल के इस तरह से डिप करना है एंड वी आर गोइंग टू गिव इट अ नाइस डीप फ्राई. एक अच्छा गोल्डन कलर दे देंगे. लॉलीपॉप्स को फ्राई कर देंगे और इसे एक अच्छा गोल्डन कलर देना है. अभी बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस. सो अभी सारी लॉलीपॉप्स इसमें डाल देंगे एंड इसे एक अच्छा कलर दे देंगे. सो फ्रेंड्स, लॉलीपॉप एकदम अच्छे से तैयार हो गई है. जो कलर चाहिए था, दैट इज गोल्डन कलर, वो हो गया है. इट इज कंप्लीटली कुक्ड. अभी हम इसे सब निकाल देंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द ग्रेवी. ओके फ्रेंड्स, थोड़ा अभी प्रेजेंटेशन पे वर्क करते हैं. इस तरह से फॉइल के छोटे पीसेस हम अपने ये लॉलीपॉप के लिए लगा देंगे इस तरह से उसकी बोन पर, ताकि इसका लुक बहुत अच्छा आता है एंड इट इज़ क्वाइट प्रेजेंटेबल. सो थोड़े मैंने पीसेस करके रखे थे फॉइल के, इसे बस इस तरह से टाइट लगा देंगे. और अभी हम स्वीट सार एंड स्पाइसी हमारी जो ग्रेवी रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी लिटिल ड्राई, वो अभी हम बनाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट नाउ. सबसे पहले पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन से अच्छे से सौते करेंगे.
बहुत कम तेल में हमें इसे बनाना है। और जो चिकन फ्राई किया है, चिकन लॉलीपॉप, वही ऑयल अभी हम इसमें यूज कर रहे हैं। सो इसे बिल्कुल भी हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस स्लाइटली इसकी खुशबू आने लगे तब तक अब इसमें ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियंस के अनियंस जो हमने बारीक डाइस करे थे। जस्ट गिव इट अ नाइस स्टर। I am going to add little soya sauce. इसमें अभी डाल देंगे रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस अराउंड 2 tablespoons है। यू कैन टेक इट एज मच एज यू रिक्वायर आपके तीखेपन के हिसाब से। आई एम पुटिंग टमाटो सॉस विच इज अराउंड अगेन 2.5 tablespoons। Let's give this a nice mix again. Okay, so this is almost done. अब इसमें डाल देंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस की लीव्स and we're going to put this lollipop इस तरीके से डिप इट नाइसली और इस तरह से सॉस भी इस पर स्प्रेड कर देंगे। दैट्स इट। सो ये हो गया है हमारा स्वीट एंड सा चिकन लॉलीपॉप। सो आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताना। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स। कमेंट्स सुनकर बहुत अच्छा लगता है वो पढ़कर फ्रेंड्स। So please do not forget to hit the like button, subscribe my channel and follow me on Instagram at Rabia's Kitchen 10. Inshallah, fir milenge ek nayi video ke saath. Tab tak ke liye, Allah Hafiz.